रहीम स्टूडेंट्स कैसे हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरी लास्ट वीडियो में जो था वो क्वेश्चन नंबर 10 जो था वो थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया था, ऑटोमेटिकली वीडियो क्लोज होने की वजह से, तो मैंने वो अपलोड कर दी। अच्छा, अब जो है मैं ये क्वेश्चन नंबर 10 दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर। अब हम 1.5 को आज कम्प्लीट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और इसका जो 12 है, ठीक है। तो ये थोड़े लेंथी भी थे तो मैंने कहा एक अलग सिन पे वीडियो बना दूँ, फिर उसके साथ साथ हम नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 भी स्टार्ट कर दूँगी और उसके साथ उसकी 2.1 की एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 आपको साथ साथ करवा दूँगी। तो देखें हमारे पास ये क्या क्वेश्चन है, ऐड 1101 to 110, ठीक है। यानी कि ये वाला इसमें ऐड करें एंड सब्ट्रैक्ट 4 1 1 1 1 फ्रॉम द सम। पहले हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है और फिर जो उसका आंसर आएगा ना उसमें से ये वाला नंबर जो है वो हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको मैंने टेबल बताया हुआ है कि 2 का जो है वो वैल्यू जब आती है तो किसके इक्वल होता है, 10 के। 3 आता है तो वो 11 के इक्वल होता है, 4 आता है तो 12 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमने सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ये वाली टेबल को यूज़ करना होता है बेस 2 में। तो अब चलते हैं, देखिए ऐड करते हैं इसको, सिंपल है। यहाँ पर तो 1 और 0 क्या हो जाता है, 1, 0 और 1 क्या हो जाता है, 1। अब देखें जहाँ पे 1 और 1 2 हो रहा है, 1 और 1 2 हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपको मैंने बताया 1 और 1 2 नहीं होगा बल्कि 2 की वैल्यू पे हम देखेंगे क्या आ रही है, 10। तो 1 एंड 1 हो जाएगा 10, ठीक है। तो 10 का आ जाएगा यहाँ पे 0 और 1 यहाँ पर हमने दे देना कैरी। अब अगेन 1 और 1 क्या हो गया, 10, तो 10 ही हो जाता है ना। बस ये बात अपने माइंड में रख लें कि 1 और 1 जो है यहाँ इस सिस्टम में वो हो जाता है 10। तो 10 पे हम क्या लिख देंगे, अभी पूरा का पूरा 10 लिख देंगे क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए ये जो आंसर आ गया, अब हमने क्या करना है, एंड सब्ट्रैक्ट 111 फ्रॉम द सम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही कर देते हैं साथ में। अब ये नंबर लिख कर उसमें से हमने वो जो है सब्ट्रैक्ट कर देना है। नंबर क्या है, 10011 माइनस, ठीक है। अब वो क्या है, 1111, 4 times 1 है, ठीक है, विद बेस 2। अब इसको बहुत ध्यान से देखें कि किस तरह हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में बच्चे जितना भी कर लेना कंफ्यूज हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो मैं जो बताने जा रही हूँ उसको गौर से देखिएगा। देखिए 1 और 1, 1 में से 1 गया ये तो सीधा सीधा 0 आ गया, ठीक है। फिर 1 में से 1 गया ये भी सीधा सीधा 0 आ गया। अब बात यहाँ पे अटकती है कि यहाँ पे अब देखें 0 है, हमने कहा कि इस नंबर से हम कैरी ले लेंगे, लेकिन यहाँ तो ये नंबर भी 0 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है इससे हम कैरी लेना स्टार्ट करेंगे, इसको देंगे, ठीक है। अब देखें ये नंबर तो 0 हो गया क्योंकि इस 1 ही था, इससे हमने कैरी ले लिया, ये 0 हो गया। अब ये क्या बना, 10। लेकिन मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि जब सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो ये जो टेबल होता है ये रिवर्स यूज होता है, ठीक है। यानी कि जब यहाँ पे आप देखें ना 10 आ रहा है तो वो 10 किसके इक्वल हो जाता है, वो 2 के इक्वल हो जाता है। एडिशन में क्या होता है, 2 आए तो 10 के इक्वल हो जाता है, और सब्ट्रैक्शन में ये उल्टा हो जाता है, 10 आए तो 2 के इक्वल हमने समझना होता है। यानी कि हम ये समझेंगे 10 जो है वो 2 के इक्वल है, हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ये मेरा 10 नहीं है बल्कि क्या है, 2, ठीक है। तो अब देखिए इस 2 में से मैंने अभी यहाँ पे कैरी देना है इसको, इस 2 में से अब मैं यहाँ पे 1 कैरी दूंगी तो ये क्या बचा, ये खुद ब खुद 1 बच गया पीछे और ये बन गया 10। अब इस 10 को भी मैंने क्या कंसिडर करना है कि ये है 2, क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि 10 जो है वो 2 के इक्वल होता है सब्ट्रैक्शन में। तो अब ये आप समझे कि ये 2 है, 10 नहीं है, ठीक है। तो 2 में से हमने 1 मैंने माइनस किया तो क्या आ गया, 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा था, 1, 1 में से 1 माइनस किया 0, और ये वाला 0, 0 ही रह गया था तो ये 0। तो हमारा आंसर क्या आया, 100, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लिख लेते हैं 100 विद बेस 2 इज आर आंसर। नहीं भी समझ आया तो अभी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, वो भी यही है, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई, ठीक है, सॉल्व 11012 बेस 2 मल्टीप्लाई बाय 110। लिखती जाती हूँ 11012 मल्टीप्लाई 111 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको करना है 110 से, फिर आपने ऐड करना है 1010 और फिर आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 111 से। ये ज़रा बहुत ध्यान से क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, कहीं भी एक नंबर स्किप हो गया तो आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग होगा। अब यहाँ पे देखें हमने सबसे पहले ये देखें, ये मैंने डिमास का रूल आप पिछली क्लास में पढ़ा है, मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि जब भी आपके पास दो चीज़ें आए ना
प्लस माइनस में दो चीज़ें आएँ तो आपने पहले उसको ऐड करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन और प्लस में कोई दोनों ये दोनों साथ में आ जाए तो फिर आपने सबसे पहले जो है वो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब अब चलते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर हमारे पास नंबर क्या आएगा, हमने क्या लिखना है, ऊपर है हमारे पास 1 1 1 और ये 0 3 1 हो गए, 0 और फिर 1, फिर हमारे पास नीचे क्या है 0 1 और 1 विद बेस 2, इनको हमने कर लेना है मल्टीप्लाई। अब जल्दी जल्दी से करेंगे, 0 तो सबको 0 कर देगा, कितने नंबर है वो लिख लेने हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, फिर हमारे पास एक लगेगा तो ये 1 है तो सबको 1 के साथ लिखे 1 1 1 1 0 तो 0 वही वैल्यू आ जाती है 1 के साथ। ठीक है, और फिर आप करें 1 फिर अगेन वही वैल्यू आ जाएगी 1 0 1 1 और 1। अब हमने इनको करा देना है ऐड। मुझे लगता है यहाँ से आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा मैं अगले उस पर कर देती हूँ, यहाँ पे सॉल्व आंसर इनका मैं यहाँ पे कर दूंगी। देखिए 0 और 0 यहाँ पे मैं 0 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 1 और 0 1 1 और 0 0 1, फिर यहाँ पे देखें 1 और 0 0 1 और फिर यहाँ पे देखें 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 और 1 क्या होता है बेस 2 में 10 के इक्वल होता है। ठीक है, और 10 का 0 लगाया और 1 यहाँ पावर में चला गया, फिर यहाँ पे भी 1 और 1 0 10 और 10 का 0 लगाया और 1 पावर में चला गया तो 1 और 1 10, तो ये 10 पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा बेस 2 के साथ। ठीक है, तो अब देखिए हमारा यही आंसर आया, आप आराम से इसको चेक कर लीजिएगा, 1 000 000 0 और 2 इनको मल्टीप्लाई करने के बाद। देखिए ये 0 ये 1 ये 1 1 और 0 1 1 1 और ये भी 0 ये भी 0 और ये 0 10। ठीक है, हमारा आंसर ठीक है। अब हम चलते हैं, अब हमने क्या करना है इन दोनों को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने कहा है कि हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे उन दोनों के जो आंसर्स आएंगे उनको, फिर हमने करा लेना ऐड। अब ये करें, लिखें 1 0 1 0 बेस 2 विद मल्टीप्लाई करना है 1 1 एंड 1। यहाँ पे देखिए 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 के साथ तो सारी वैल्यू वही आ जाती है ना, तो इतना वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, लिखते जाएं 0 1 0 1। अच्छा, अब इनको ऐड कर लेते हैं, 0 और 1 का 1 आ जाएगा, 1 और 0 1 ही होते हैं, और फिर 1 और 0 1 ही होंगे, 1 और 1 क्या हो जाएंगे 10, तो 10 का क्या लगेगा 0 और 1 कैरी चला जाएगा, 1 और 1 अगेन 10 और 10 का लगेगा 0 और 1 कैरी चला जाएगा 1 और 1 अगेन 10। देखिए आंसर ये इसी तरह से आ रहे हैं सेम विद बेस 2। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जब हमने हमारे पास ये दोनों आंसर्स आ गए, यानी कि ये वाला आंसर और हमारे पास जो ये वाला आंसर है, ठीक है, इनको हमने अब करा देना है ऐड, क्योंकि इन दोनों के आंसर और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आना था हमने दोनों को ऐड करा लेना है। ठीक है, तो नाउ वी ऐड, अब इन दोनों की वैल्यूज लिखकर हम ऐड कर देंगे आंसर्स लिखकर। ठीक है, अब इसका आंसर पहले लिख देते हैं 1 0, गौर से लिखना है ध्यान से बिल्कुल, 1 1 1 और फिर 0 और दूसरा नंबर हमारे पास ये क्या है 0 1 1 0 0 1। ठीक है, 1 0 0 1 1 0, अब इनको करा लें ऐड, ये देखें 0 और 0 0 हो गया और 1 और 1 कितना हो गया 10। ठीक है, 10 का आ जाएगा 0 और फिर 1 कैरी चला जाएगा, फिर 1 और 1 10 और ये फिर क्या हो गया 11। सही है, 1 और 1 हो गया 10 और ये हो गया 11, तो 11 का आ जाएगा 1 और फिर 1 कैरी चला जाएगा, 1 और 1 10, 10 का 0 और 1 कैरी चला गया। अब यहाँ देखिए खाली 1 ही है, नीचे 0 है तो ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 है खाली, तो यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे क्या है सिर्फ 1 है, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा आंसर आया 1 0 1 1 0 1 100। ठीक है, तो फिर भी कहीं पे आपको लगे कि मैंने जो है लिखने में कोई इशू मिस्टेक कर दी है नंबर, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये 1 0 जो का जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा कहीं पे इंसान को जो है नंबर स्किप हो जाता है जल्दी जल्दी में, तो इंसान का आंसर भी गलत आ जाता है, लेकिन हम इसको खुद से भी सॉल्व ईजिली कर सकते हैं अगर हमें ये रूल्स याद हों तो। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1।
मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरे ये क्वेश्चंस या मैथ्स का कोई भी, आपको इंग्लिश के लैंग्वेज में ग्रामर भी करवा रही हूँ और जनरल साइंस का मैथ भी करवा रही हूँ, तो कोई भी आपको इसमें से आपको हेल्प मिल रही हो तो उसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली हर वीडियो मिल सके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें क्या करना है, सिंप्लीफाई 1110 बेस 2 विद 101 विद बेस 2 प्लस 101 बेस 2, फिर आपके पास बीच में है प्लस 10 बेस 2 माइनस, सॉरी प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 बेस 2, फिर आपके पास माइनस 110 विद बेस 2 मल्टीप्लाई बाय 1010 विद 2। अब ये देखिए, ये बहुत आपको देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन आपको बिल्कुल जो है ना कुछ भी इसमें नहीं कंफ्यूज होना। ये होता है डिमास, ये हम लोग पिछली क्लासेज में पढ़ के आते हैं कि इसका क्या मीनिंग होता है, सबको पता होगा आई होप, डिवाइड मल्टीप्लाई एड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब इस जिस हिसाब से ये चीज़ लिखी हुई होती है ना, उसी हिसाब से हमने सॉल्व करना होता है। यानी कि अगर आपके पास मल्टी इनमें से कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तीन चीज़ें आ रही हैं, डिवाइड नहीं आ रहा, इसको छोड़ दें। तो मल्टीप्लीकेशन आ रही है सबसे पहले यहाँ पर, डिवीजन के बाद क्या आ रही है, मल्टीप्लीकेशन। तो आपने मल्टीप्लीकेशन को नंबर 1 पे सॉल्व करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई वाले काम कर लेने हैं, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, ऐड, तो फिर उसके बाद आपने ऐड वाले करने हैं, नंबर 2 पे ऐड वाला काम करना है। और सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, सब्ट्रैक्ट, तो नंबर 3 पर आपने जो है लास्ट में सब्ट्रैक्शन का काम करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये नंबरिंग जो है वो जो है एडवांटेज देगी। अब चलते हैं इसको, इसके सॉल्यूशन की तरफ। अब हमने कहा कि पहले हम मल्टीप्लाई वाली चीज़ें कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं 1110, ठीक है। और क्या है हमारे पास, फिर इसकी किसके साथ करना है, मल्टीप्लाई करना है हमने 101 के साथ। अब यहाँ देखिए, 100 1101 फिर 0 सबको 0 कर देगा, 4 0 लिख लेते हैं, अच्छा फिर हमारे पास 1 है, फिर 100 यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई के साइन लगाएंगे क्योंकि थर्ड नंबर है, 2 मल्टीप्लीकेशन के साइन लगेंगे, 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब इनको ऐड कर लें, 0 1 और 0 1 होते हैं, और 1 और 0 0 1 ही होते हैं, और 1 और 1 10 होते हैं, जिसका 0 लगेगा 1 कैरी चला जाएगा, 1 और 1 फिर 10 होंगे, जिसका 0 लगेगा 1 कैरी चला जाएगा, 1 और 1 फिर 10 होंगे, और ये 10 हम यहाँ पे अब लास्ट में पूरे का पूरा लिख देंगे विद बेस 2, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया 1100001102। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, आपको पता होगा, अब हमने इन दो को जो है वो मल्टीप्लाई करना है, यानी कि तीन चीज़ें हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं यहाँ पे, 1 2 और 3, ठीक है। तो हमने पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेना है सबको। अब ये भी नंबर 1 मैंने ना यहाँ नहीं लिखा ना, यहाँ पे लिख देती हूँ, यानी कि ये सारे स्टेप जो है नंबर 1 के स्टेप पे, सही है। अब यहाँ पे मैं लाइन नहीं ड्रॉ करूँगी क्योंकि आपको लगेगा ये अलग से कोई चीज़ है, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे 101 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो अब 0 1 0 0 0 ये तो आपको पता चल गया है, और 1 से जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वो सेम नंबर आ जाता है ऊपर वाला, तो इतना ज़्यादा उसको करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कर दें 0 और 1, और ये 0 और ये 1, ठीक है। ये आ गया आपका। अब हमारे पास है क्या, अब थर्ड मल्टीप्लीकेशन, वो है 1। अब जो बिग नंबर है आप ऊपर लिखते हैं, कोई इशू नहीं होता, कुछ भी मल्टीप्लीकेशन में आप जैसे भी ऊपर नीचे लिखें, लेकिन चलें ज़रा एक सहूलत रहती है कि इंसान जो है बड़ा नंबर ऊपर लिख दे, देखने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें 0 0 0 0, फिर आपके पास आया ये वाला 1 0 1 1 1 1 0 0 0, ठीक है, और 1 1 ज़ा 1, फिर आपके पास 2 मल्टीप्लीकेशन के साइन आए, 1 0 0 0 1 1 ज़ा 1 1 0 0 1 1 ज़ा 1। आप देखें 0, ये वाला 0 ऐड कर रहे हैं, और फिर ये 0, फिर ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1, ये आपके पास आ गया ये आंसर, ठीक है। अब हमने करना है कि हमारे पास तीनों जो है मल्टीप्लीकेशन के आंसर आ गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या, सेकंड नंबर पे हमने करना ऐड, तो हम देखेंगे इसका आंसर और इसका आंसर हमने करा देना है ऐड, ठीक है, क्योंकि हमने दूसरे नंबर पे ऐड वाले को देखना है, अभी सब्ट्रैक्शन वाली साइड पे हमने नहीं जाना, यानी कि इसका मल्टीप्लीकेशन और इसका जो आंसर आया इनको हमने ऐड करा देना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें आप, इसका आंसर ये कौन सा था, ये, ठीक है, इसका आंसर हम लेंगे 1 0 0 0 1 1
जीरो, ठीक है, और इसकी बेस टू। अब ये आंसर और ये नंबर, दूसरा नंबर क्या था, 101 और 10, ये देख लें और से देख के फिर उसके आंसर लिखिएगा। अब ये वाला इसका आंसर है 0101, ठीक है। अब इन दोनों को आपने करा दिया ऐड, 0 और 0, 0 1 और 1 क्या होते हैं जी, 1 और 1 होते हैं 10, ठीक है, 2 नहीं होते, 10 और 1 कैरी आ गया, 1 और 1 10, और 0 और 1 कैरी आ गया, 1 और 1 10, 0 और 1 कैरी आ गया, 1 का 1, 0 और ये 1, देखिए ये आंसर आ गया आपके पास। इनको प्लस करने के बाद अब हमारा क्या काम रह गया है कि हमने इस वाले मल्टीप्लिकेशन के आंसर को और इन सब के आंसर को, यानी कि इन सबको करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा उनको हमने इसके आंसर से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ इरेज करके दोबारा से लिख देती हूँ ताकि आपको जो है ना, सॉरी, ये जो ये वाला आंसर हमारे पास लिखा रहे, क्योंकि हमने इसी के आंसर में से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ। अब देखें यहाँ पे क्या आंसर है, पहले मैं ये वाला आंसर लिख लेती हूँ ना, 1 0 1 0 0 0 0 4 0 है, 1 2 3 4 और 1 0 1, ठीक है। फिर बेस 2 और आंसर कौन सा सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाला, तो 0 0 1 1 1 1, 4 टाइम 1 है, सही है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आया तो फिर भी आप मुझे करके जो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसको हमने क्या करना है, यानी कि ये वाले दोनों का जो आंसर था और इन सब का जो आंसर आया उनको हमने कर लेना है सब्ट्रैक्ट। अब ये देखें, 10 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। अब यहाँ पर यही रूल जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया है, जो हम सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से कैरी करके लाते हैं। अब यहाँ देखें, हम कैरी नीचे 1 है तो ऊपर 0 है, तो हमें कैरी तो लेना पड़ेगा, तो कैरी इसके पास भी कोई नंबर नहीं है, तो हम यहाँ से लेना स्टार्ट कर देंगे, इसको इसको ये वाला नंबर इसको देंगे, ये 10 बन जाएगा, लेकिन 10 नहीं बनेगा, क्या बनेगा, 2। फिर 2 में से ये नंबर एक और कैरी लेंगे तो ये इसको देंगे, ये भी 10 नहीं बनेगा बल्कि क्या बनेगा, 2, ठीक है। तो अब ये देखें, 2 में से 1 निकला तो क्या बचा, 1, ठीक है। और यहाँ पे हमने 2 में से एक कैरी इसको दे दिया था तो ये 1 ही बच गया था, तो 1 में से 1 बचा निकला तो क्या बचा, 0। अब यहाँ पर फिर 0 बच गया था क्योंकि एक कैरी हमने इसको दे दिया था। अब ये भी देखें 0 है और ये भी 0 है, ठीक है। अब यहाँ से हम लेना शुरू करेंगे तो ये इसको 2 बना देगा और फिर ये वाला 2 इसको 2 बना देगा, तो इसके पास 1 बच जाएगा। 2 - 1 क्या होता है, 1, और 1 - 1 क्या होता है, 0, ठीक है। तो इसका मतलब है आपके पास ये आंसर आ गया 1, और ये वाला 0 अगर हम लगा भी दें तो कोई इसकी, इन दोनों की 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो एक्चुअल हमारा जो आंसर है 1 0 1 0 0, ठीक है। सो 1 0 1 0 0 इज आवर आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये बिल्कुल जो है वो समझ में आ गया होगा। अब आपको जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है अपलोड करूँगी, जो है क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 की, जहाँ पर आपको क्लोजर प्रॉपर्टी वगैरह का है, तो हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।